एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी किड्स। आज हमने सोचा कि हम मेरी साइकिल ST30 रॉक राइड की चेन क्लीन करें, और चेन क्लीन करने से पहले हम पूरा देख लेंगे चेन कैसा कैसा है। और इसके लिए हमें दो चीज चाहिए, एक चेन क्लीनर और चेन क्लीनर के बाद ल्यूब। तो हमने ऑर्डर कर लिया ये, और अब हम यूज करने वाले हैं ये चेन क्लीनर। तो चेन क्लीनर के लिए हम फर्स्ट लेना है, और फिर लेने के बाद चेन पर डालना है और पैडल उल्टा मारना है। मैं आपको बताता हूँ, इसे ये स्प्रेड हो जाएगा, उल्टा घुमाना है और स्प्रे करना है, और फिर इसके बाद 4 बार उल्टा घुमाना है ताकि पूरा जो भी डस्ट है ना ये नीचे गिर जाएगा लिक्विड फॉर्म में, और वापस 4 बार घुमाना है ताकि सब जगह स्प्रेड हो जाए, और फिर ब्रश से करना है जो कि मेन है। ब्रश से क्या होगा, जो कि साफ अटके हुए होता है ना वो सब नीचे गिर जाएगा और ये हमारी साइकिल क्लीन हो जाएगी। और ये होने के बाद हम पैडल मारेंगे सीधा और फिर ब्रश लगाएंगे ताकि पूरा फॉर्म नीचे गिर जाएगा, जो भी कचरा बचा हुआ होगा नीचे आ जाएगा। फिर आता है मेन, जो कि ल्यूब। ये ऑयल ग्रीस टाइप में होता है, इसे भी हमने स्प्रेड करना है, मतलब स्प्रे कर पैडल उल्टा घुमाना है। ये बहुत बार करना है, 4 बार करना है ये। तो इसके होने के बाद हम वापस करना है और पैडल सीधा घुमाना है इस बार। तो सीधा घुमाना है वापस, सेम जैसे मैं आपको पहला वाला क्लीनिंग है ना वैसा ही प्रोसेस है। फिर हम ब्रश से करना है, तो ये पहले स्प्रेड कर लेते हैं और पैडल घुमाते सब जगह स्प्रेड हो जाएगा। और ये जो दिख रही है ना मेरी साइकिल रेडी हो रही है। और फिर मैंने सोचा कि टेस्ट ड्राइव करें, और टेस्ट ड्राइव करने के लिए मैंने सोचा कि टेस्ट ड्राइव कर ले, और फिर टेस्ट ड्राइव करने के लिए निकल जाता हूँ। ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बाय।